जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, तो वहाँ पे एक आईफन टावर भी है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे बतख खज्जल हो चुकी है, ये किश्ती के अंदर पानी भी आ चुका है, तो बस अब हम कुछ ही देर में डूबने वाले हैं यहाँ पे। देखिए कितनी ऊपर ऊपर इन जंगलियों ने बच्चों के झूले होंगे तबाही कर दी। पेड़ में जाके दिखाइए हमारे दर्शकों को, इतना बड़ा पेड़ है ये, तो काफी अच्छा पेड़ है यहाँ पे। देखिए आप, यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज है जो बच्चों को खाती है। वेलकम बैक गाइस, मधुरवा की सीरीज में अभी तक आपने देखा हमने कौस के साथ खेला, थोड़ा चिड़ियाओं के साथ खेला, जिसमें हमने आपको बताया छोटी कौस के बारे में, बड़ी कौस के बारे में। अब हमने आपको सोचा थोड़े से आपको दर्शन करा दे, यहाँ पे हम जाने वाले हैं आज। तो तन भाई, आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? जी आज हम चुनौत मंदिर आए हुए हैं अभी। हाँ, और उसके बाद हम नीचे वासुकि मंदिर भी जाएंगे, उसके बाद फिश पॉन्ड जाने का प्रोग्राम भी है। तो काफी लोकेशन दिखने वाली है आज, बने रहें चैनल के साथ। ये हमारे चुनौत माता के मंदिर के दर्शन। तो गाइस ये देखिए हमारे चुनौत माता मंदिर के, यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा दिख, भदरवा का व्यू देखिए आप कितना अच्छा दिख रहा है। देखो और इनकी फोटोग्राफी हो रही है यहाँ पे, मंदिर देखिए आप कितना अच्छा है। देखिए आप, ये हमारे शिव शंकर, राधे कृष्ण, देखिए ना कितना सही आ रहा है। सो गाइस ये थी हमारी पहली लोकेशन चुनौत मंदिर। अब सेकंड लोकेशन यहाँ पे हम फिश पॉन्ड ज्यादा वासुकि नाग मंदिर जाएंगे। पहले हम नीचे वासुकि नाग से थोड़ा टाइम लगेगा हमें नीचे जाने के लिए। इधर मार, इधर हमारा चुनौत मंदिर जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं अगली लोकेशन पे, तो मिलते हैं अगली लोकेशन पे, तब तक के लिए। तो गाइस यहाँ पे हम पहुँचे थे, यहाँ पे हम पहुँचे थे, रास्ते में जा रहे थे अभी देवकी नाग देवता के पास। तो वहाँ पे देखिए कितना अच्छा व्यू है, वहाँ पे किला महल है वहाँ पे, और व्यू देखो वेदर कितना ऑसम हो रखा है वहाँ। तो गाइस एक और लोकेशन हमें मिली है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, तो वहाँ पे एक आईफन टावर भी है, और यहाँ पे हम जॉर्ज पोल पहुँच चुके हैं, यहाँ पे ब्रिज कैंप हो रखा है आगे। तो देखते हैं पहुँच पाते हैं अगली लोकेशन में कि नहीं। बस स्टैंड है यहाँ पे, नितिन और बता रहे हैं हम, नितिन और बताइए कुछ। ये है यहाँ पे बॉयज हाई सेकेंडरी, यहाँ पे सामने जो दिख रही है यहाँ पे पेड़ के पास। अच्छा अच्छा, गर्ल हाई सेकेंडरी कहाँ है? गर्ल्स हाई सेकेंडरी वो बीच में पड़ता है, यहाँ से दिखता नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरे को कुछ लगता है आप ज़्यादा लड़कियों के पीछे गर्ल्स के पीछे ही हैं। नहीं, हम ऐसे ही पूछ रहे थे, थोड़ा पता होना चाहिए लोकेशंस के बारे में जहाँ आप घूम रहे हो। ये वाली गर्ल हाई सेकेंडरी है, कहाँ पे बॉयज हाई सेकेंडरी है, ये क्या है? ये वाली जो लोकेशन है ये हमारा कम्युनिटी हॉल है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बस बॉयज़ हाई सेकेंडरी और गर्ल हाई सेकेंडरी का पता हो, लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए हमें भी। वो देखो गाइस कितना अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से ऊपर। गाइस वो मंदिर है वहाँ पे जहाँ पे हम गए हुए थे अभी, वो वहाँ पे वहाँ मंदिर है, यहाँ से उतना जूम नहीं होगा, बादल बड़े हो गए हैं, तो चलो चलते हैं यार। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपने लोकेशन पे, वासुकि नाग मंदिर में पहुंच चुके हैं हम, तो जा रहे हैं हम अपने भाइयों के साथ अंदर, चलो चलते हैं फिर। गाइस ये हमारा शिव जी का मंदिर, और ये हमारा वासुकि नाग लोकेशन हमारी। इसको पकड़ कर रखो, अंजल पकड़ के रखना दरवाजा। वो तो ऐसे नहीं कहीं ना, तू कसम जो डाल दो कुछ।
पंडित जी कराना, दर्शन कराना, दर्शन कराना। दर्शन के दर्शन ये तो होते हैं, ये क्या दर्शन? कौन कौन है ये बताओ? ये एक है वासुकीनाथ जी। कौन सी? ये वाली? ये वासुकीनाथ है, जगत मान। ये जगत मान और कितने टाइम से पहले, मतलब ये तो 2070 साल हुए, 2070 साल मंदिर को बने हुए, मंदिर को बने हुए 2070 साल हो चुके हैं। जैसे कि पहले हमने यहाँ पे सुना था कि यहाँ पे एक वो महाराजा होते हैं, कोई राजा। हाँ, वो राजा की मूर्ति ये है ना, राजा भाई का। अच्छा, ये उनका राजा का, ये जगत मां नागपाल, नागपाल राज नागपाल, नागपाल था राजा का नाम। तो और कुछ? और इसकी मातम ये यहीं पर थे ना, ये एक दरख्त के नीचे थे वासुकीनाथ जी, यहाँ पर दर्शन हुए थे। यहाँ दरख्त है, उसके नीचे दर्शन हुए। हमारे जो ग्वाल बाल थे, गाय चाहती थी, उनका दूध पीते थे। जब गांव वाले आए देखने, तो वो गिरा निशानी दी चेहरे बने, तो उन्होंने बोला कि मेरा मंदिर यहाँ बना, एक ही दरख्त का यह मंदिर बना है। एक ही दरख्त, ये जो ऊपर यूज हुई है, हाँ, ये आज नया बनाया, मैं पहले ये एक ही दरख्त का। अच्छा, बहुत बड़ा होगा दरख्त। बड़ा तो चलते हैं आप कहाँ पे? जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे हम वासुकीनाग जी के मंदिर आए हुए थे भद्रों में, तो यहाँ पे पंडित जी भी मिले। इसके बारे में हमने कुछ जानने की मतलब कोशिश की और हमने बहुत कुछ जाना यहाँ पे। तो अब हम अगली लोकेशन पे जाएंगे। तो गाइस, वासुकीनाग के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे फिश पॉन्ड पे। व्यू देखिए आप पीछे, अब हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे वो जो पाउंड है ना, उस पाउंड में मछलियाँ हैं, तो मछलियाँ देखने जाएंगे थोड़ी सी। तो चलो चलते हैं सारे। तो आइए गाइस, चलते हैं हम अंदर, चलते हैं ज़रा मछली पार्क में घूमाते हैं अंदर, जो पार्क आपको हमने ऊपर से दिखाया था। ये आए हमारे पिंजरू भैया, ये आए हमारे छिपी भैया। देख सकते हैं आप, फिश पॉन्ड में पहुंच चुके हैं। इधर कोई फिश पॉन्ड नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। अंदर कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। ओहो हो, कितना अच्छा व्यू है, वाह के यार। देखिए यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है, यहाँ पे समुद्री लुटेरे आए हैं कुछ, वो देखिए बोटिंग हो रही है वहाँ पे। वहाँ पे झरना है और वहाँ पे वो देखिए कौन है, बतख भी आओ, बतख के पास चलते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे बतख खज्जल हो चुकी है, ये ऊपर आसमान में किसी को ढूंढ रही है। इसने गर्दन टेढ़ी कर दी है। देखिए मैं अकेली है बेचारी यहाँ पे, इसका कोई पार्टनर नहीं है यहाँ पे। मुझे लगता है ये यहाँ पे खज्जल हो चुकी है, अकेलापन। मगर ये ऊपर किसको ढूंढ रही है, हमें कोई दिख रहा नहीं है। बारिश आ रही है, खुश हो रही है, मौसम इसी का है। शायद बारिश के कारण ये बतख थोड़ी परेशान हो चुकी है यहाँ पे। तो बतख जी, आप कुछ कहना चाहते हो? वो देखिए गाइस, ऊपर कितना अच्छा पहाड़ है वहाँ पे, वो देखिए ऊपर। अंजल जी, आपका क्या कहना है उस पहाड़ के बारे में? वो देखो बर्फ वाला जो पहाड़ वहाँ पे ऊपर है, पहाड़ है, इस पे बर्फ दिख रही है, वहाँ जाते हैं लोग। वहाँ पे बर्फ भी आया है, वहाँ पे जाएंगे। मगर यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो यहाँ पे 2 मिनट इंजॉय करते हैं। पार्क देखिए आप, कितना अच्छा पार्क है यहाँ पे। वो देखिए पार्क, वो देखिए झरना, इधर नीचे से झरना निकल रहा है। ये बतख इधर ही खज्जल हो रही है, और वो देखिए आगे कितने अच्छा पॉन्ड है। ओए तेरे दोस्त किधर हैं, हैं? गाइस देखिए व्यू, देखिए वो देखो झरना। ओ पर घर से पानी आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से तालाब बन गया इस पानी का। और ऊपर व्यू देखिए गाइस, भाई तेरा केरा नाम? तो गाइस इस डंगर की हाइट डेप्थ है यहाँ पे 5 फुट। एंजल भैया, आप कुछ कहना चाहते हो इस लोकेशन के बारे में? अरे लोकेशन अच्छी और क्या है इसमें। हाँ तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत मज़ा आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें। हाय फ्रेंड्स,
जो कि आप देख चुके हैं। तो गाइस ये तो बारिश में हमारा चप्पू चल पड़ा है, तो ये दो चप्पू चप्पू मार रहे हैं हमारे भाई, चप्पू लगे मार रहे हैं, घूम रहा है यार, तेज चला जैसे अंदर चला रहा है। हाँ जान दे खींच गए गाइस, व्यू देखिए यहाँ पे आप, पूरा व्यू दिख रहा है, देख सकते हैं बतख के काफी नजदीक आएगा, और देखिए जो कि खजल हुई है काफी देर से, वो देखो आई बतख यहाँ पे बुला रहा है नहीं बुला रहा है अरे पहले नहीं दे रहा तू यार आगे देख आई 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 तो बतख हमारे पीछे भी चल रही है करो पूरा वहाँ पे, कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, के पास जा रहे हैं वहाँ पे, वो देखिए पीछे आप झरना देखिए कितना अच्छा झरना है वहाँ पे, बारिश में बेचारी काफी गीली हो गई है, चल दे वो देखिए आ रही है यहाँ पे। तो गाइस बारिश यहाँ पे काफी हो रही है, किश्ती के अंदर पानी भी आ चुका है, तो बस अब हम कुछ ही देर में डूबने वाले हैं यहाँ पे, तो किश्ती थोड़ी तेज हो चुकी है, शायद बच भी जाएं, किश्ती तेज हो चुकी है। भाई आपका क्या नाम है? नाम यावर है भाई। तो भाई का नाम है यावर, भैया ने हमें अभी बोटिंग कराई यहाँ पे वास्की नाग के नीचे, यहाँ पे भद्रवाह में पड़ती है, यहाँ पे फिश पॉन्ड है जहाँ पे, वहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, व्यू आपको हमने दिखाए वहाँ पे काफी अच्छा व्यू है, तो यासर भाई के पास आए यहाँ पे जरूर, यावर यावर भाई के पास आए तो जरूर यहाँ पे बोटिंग जरूर करें, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। यहाँ पे कितना टाइम हो गया? मेरे को यहाँ पे तो 4 साल हो गए कंटिन्यू काम करते हैं। तो भाई को यहाँ पे 4 साल हो चुके हैं बोटिंग करवाते हैं, बोटिंग भी, गेट भी मेरे पास है, पार्किंग भी मेरे पास है, हट वगैरह सब कुछ भी मेरे पास है। यहाँ पे आप हट्स भी हायर कर सकते हो, तो भाई से मिलना तो जब भी आओ यहाँ पे, तो यहाँ पे काफी टूरिस्ट आते होंगे भाई? हाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं भाई, रूम्स अवेलेबल है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर यहाँ पे, मतलब एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है यहाँ पे, अगर आप भद्रवाह घूमने आए हो तो यहाँ पे जरूर एक बार विजिट करें। तो गाइस हम आए थे यहाँ पे भद्रवाह वाली लोकेशन पे थे, जहाँ पे अभी हमने आपको रिवर क्राफ्टिंग दिखाई अपनी, तो वहाँ पे हमने किश्ती चलाई, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे झूले ले रहे हैं, दो हम सारे भाई यहाँ पे झूले ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे मौज मस्ती हो रही है, देखिए कितनी ऊपर ऊपर इन्होंने जंगलियों ने बच्चों के झूले होंगे तो भाई कर दी, तो वहाँ पे व्यू चेकआउट करो यहाँ पे कितना ऑसम व्यू है, पहाड़ देखो यहाँ पे, और वेदर भी काफी अच्छा हो रखा है यहाँ पे, वेदर भी काफी आज हमारा साथ दे रहा है, कलर ग्रेडिंग की मुझे नहीं लगता यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। धूप देखिए वहाँ पे पर्वत पे कितनी अच्छी धूप निकली है, तो वहाँ पे देखिए बर्फ भी है, वहाँ पे धूप है, और बादल देखिए कितने प्यारे बादल लग रहे हैं, काफी अच्छा व्यू आ रहा है वहाँ पीछे, नितिन भाई हमारे साथ है, वो देखिए वो गया कुत्ता वहाँ पे। तो गाइस अंजल भाई हमारे इस पूरी नदी को एक ही छलांग में क्रॉस करने वाले हैं, आइए देखते हैं तो ये इस नदी को एक ही जंप में क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं, आ जाइए। तो नितिन भाई अब हमें झूला दे रहे हैं नीचे से, पीछे गाइस व्यू चेकआउट करें, गाइस पेड़ चेक करिए कितना छोटा पेड़ है, अंजल जी पेड़ में जाइए, पेड़ में जाके दिखाइए हमारे दर्शकों को इतना बड़ा पेड़ है ये, काफी अच्छा पेड़ है यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे काफी टूरिस्ट भी आए हैं, फूल देखिए आप यहाँ पे देखिए कितने अच्छा व्यू है यहाँ पे,